नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के पापड़ बनाने की रेसिपी, और वो भी मात्र एक आलू से और सिर्फ 2 रुपए के खर्च में 100 पापड़। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही टेस्टी पापड़ बनके तैयार होते हैं। तो इसे बनाना बहुत ईजी है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, तो आपके पापड़ भी इसी तरह से एकदम कुरकुरे बनेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया एक आलू। तो आलू को मैंने अच्छे से धो लिया और बस एक बड़े साइज का आलू है ये, इसे हम छील करके छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। इन आलू के पापड़ को आप व्रत में भी ले सकते हैं, नवरात्रि में वगैरह आप कभी भी इस पापड़ को ले सकते हैं। और इसे हमने पूरी शुद्धता के साथ बनाया है। तो गर्मियाँ चल रही है, इसमें आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, इस पापड़ को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये जो साबुदाना है ना, इसे मैंने मिक्सी में जार में पीस लिया है। एक कटोरी साबुदाना लिया मैंने छोटी कटोरी से, और उतना ही बस एक आलू लिया हमने। साबुदाने का पाउडर बाइंडिंग के लिए सही रहता है। और बस इस आलू का हमने पेस्ट बना लिया, और भगोने में हमने गर्म होने के लिए पानी रख दिया था। सबसे पहले जो आलू का पेस्ट है ना, वो हम डालेंगे इसमें धीरे धीरे। और ये जो साबुदाने का पाउडर है, इसे हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर एक साथ डाल देंगे ना, तो इसमें क्या है, गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये टेस्टी बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, इसमें गाँठे पड़ जाएंगे। तो गाँठे रिलीज करने में हमें बहुत ही दिक्कत आती है, तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसे लगातार चलाते हुए आधा घंटे तक चलाइएगा, और तेज आँच पर रखिए। फटाफट आपका बैटर बन के तैयार हो जाएगा। देखिए चलाते चलाते मुझे 30 मिनट हो चुके हैं और बैटर हमारा पूरा बन के तैयार है साबुदाने के पापड़ का। और ये गाढ़ा हो गया है, आपको लग रहा है ना, एकदम से ठीक हो गया करके। तो बस ये जो ट्रांसपेरेंट सा इसमें कलर आ जाता है, इसका मतलब है कि हमारा पूरा बैटर अच्छे से पक चुका है और तैयार हो गया है। अब पापड़ हमारे बहुत ही कुरकुरे बनने वाले हैं। बस इसी तरह का हमने हमें रखना है इसे, और ये अच्छी तरह पक चुका है। अब ठंडा होने दिया हमने इसे, ठंडा होने के बाद में और भी गाढ़ा हो जाता है ये। तो अब डाल दिया इसमें सिंधा नमक हमने, और ये डाला है हमने जीरा। जीरा हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे ना, तो पापड़ का जो कलर है ना, वो सांवला हो जाता है, इसलिए हमने लास्ट में इस्तेमाल किया इसे। और अच्छे से मिक्स करके अब बारी आती है सुखाने की। तो मैंने एक प्लास्टिक की पन्नी ली है, ऊपर छत पे जाएंगे हम, और इसे तेल से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ग्रीस कर दिया था। और बस अब जो पापड़ है, हम हल्का सा राउंड राउंड करते करते इसे सुखा देंगे हम फटाफट से। आप देखेंगे कि वास्तव में 100 से ऊपर पापड़ बने हैं ये, और इतने टेस्टी और सॉफ्ट, और कुछ भी समय नहीं लगा। आपने देखा, आधे घंटे में बन करके तैयार हो गई है, और मात्र 2 रुपए के खर्च में एक आलू हमने लिया है और एक कटोरी साबुदाना पाउडर। बस इससे ये 100 के ऊपर पापड़ बनकर तैयार हुए। पूरे पापड़ को हम अच्छी तरह सुखा लेंगे। आपको अगर ये पापड़ पसंद आते हैं, रेसिपी पसंद आती है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये पापड़ बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही अच्छे हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगले दिन ही पापड़ सूख चुके, और इसे हम फ्राई कर लेंगे। गर्मियाँ चल रही है, तो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं ये। देखिए कितने मतलब बड़े बड़े पापड़ हो रहे हैं। बहुत ही बेस्ट पापड़ बन के तैयार हुए। आज तक आपने इस तरीके के पापड़ कभी भी नहीं खाए होंगे, मेरा वादा है। आलू से बने साबुदाने से बहुत ही टेस्टी है, और एक आलू से मात्र 2 रुपए के खर्च में पापड़ तैयार हुए हमारे। तो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।